वेलकम पार्टिसिपेंट, आज का हमारा टॉपिक है कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम इंजन के सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम हो चुका है हमारा, फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो चुका है, उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग कूलिंग सिस्टम, देन उसके बाद कल देखेंगे गवर्निंग सिस्टम। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम में कंटेंट क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, फिर लिक्विड कूलिंग के अगेन कितने टाइप होते हैं, है ना, मतलब कूलिंग सिस्टम के कितने टाइप होंगे, एयर कूल्ड इंजन एंड देन वाटर कूलिंग इंजन। फिर उसके बाद लिक्विड कूलिंग सिस्टम के कितने टाइप होंगे वो, उसके बाद लिक्विड कूलिंग सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे कि रेडिएटर हो गया, उसके बाद रेडिएटर स्लैब, थर्मोस्टेट वाल्व, कूलिंग फैन एंड कूलर। इतना सब आज के लेक्चर में हमारा कंटेंट है। तो कूलिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि इंजन को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे या फिर एक वर्किंग टेम्परेचर पे उसको लेके आना। ठीक है, तो उसके दौरान कुछ एनर्जी हमारी थर्मल इफिशेंसी जो होती है वो कुछ लॉस हो जाती है। अब हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, कोई भी इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो हम लोग इसमें इनपुट क्या दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, फ्यूल, ठीक है ना, इनपुट फ्यूल दे रहे हैं, उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है ना, जो हमारा ब्रेक पावर है एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट और थाइल पे जो मिलता है। ठीक है, तो जो कूलिंग है, कूलिंग की वजह से हमारा 33% इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी लॉस होता है, और एग्जॉस्ट की वजह से 33% लॉस होता है, और हमें आउटपुट जो मिलता है ये 33% मिलता है। तो ये हमारी इफिशियंसी कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये डीजल इंजन के लिए होता है 28 to 30%, और ये इनडायरेक्ट के लिए है, और डायरेक्ट इंजेक्शन के लिए है 32 to 33%, और पेट्रोल इंजन के लिए नियर अबाउट 25%। ठीक है, और पर्पस क्या है कूलिंग सिस्टम का, तो सबसे पहले है इंजन को, इंजन जो है जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके वजह से जो इंजन का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को रेगुलेट करना, है ना, उस टेम्परेचर को वर्किंग टेम्परेचर पे मेंटेन करना, ये एक है। जो एक्सेसिव हीट जो होगी इंजन से उसको निकालना, एक्सेसिव हीट को निकाल के, या फिर मतलब वो एक्सेसिव हीट को कई और जगह पे कैरी करके लेके जाना। आप और एक चीज देखते होंगे कि जो आपका कोल्ड इंजन जो होता है उसको वर्किंग टेम्परेचर पे, इंजन के वर्किंग टेम्परेचर में आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, है ना। तो अगर कूलिंग सिस्टम आपका सही तरीके से है ना, वो ओवरकूल नहीं कर रहा है इंजन को, तो आपका जो भी इंजन है कोल्ड इंजन स्टार्ट होने के बाद ये वार्म अप क्विकली हो जाएगा, ये जो भी आपका वर्किंग टेम्परेचर है इसको जल्दी ऑप्टेन कर लेगा वर्किंग टेम्परेचर को। उसके बाद ये डैमेज को और ब्रेकडाउन होने से भी कूलिंग सिस्टम बचाता है, कोई पार्ट डैमेज या ब्रेकडाउन होने से। अब ये कैसे कि जैसे आप लोग देखते हो जब कंटिन्यूसली आपकी इंजन के पार्ट चल रहे हैं तो उसमें वेयर एंड टियर होता है, और वो बहुत ज़्यादा हीट अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर उस पार्ट को हम लोगों ने कूल नहीं कर पाए तो वहाँ पे हो गया क्या, या तो वो मेल्ट हो जाएंगे या फिर हायर कूलिंग की वजह से वो क्या हो जाएंगे, ब्रेकडाउन या फिर डैमेज हो सकते हैं। तो ये क्या करता है कूलिंग सिस्टम, उनके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर वर्किंग टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करता है, और उनको ब्रेकडाउन से या डैमेज से बचाता है। अब कूलिंग सिस्टम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम या फिर वाटर कूलिंग सिस्टम, है ना, लिक्विड कूलिंग और एयर कूलिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंजन का इमेज हमें अभी हम लोग देख रहे हैं ये एयर कूल्ड इंजन है, हैं? एयर कूल्ड इंजन जो होता है ये छोटे इंजन में या फिर कम एचपी वाले इंजन में एयर कूल्ड इंजन आते हैं। ट्रैक्टर इंजन की बात करेंगे तो ट्रैक्टर इंजन में 3 सिलेंडर तक का इंजन एयर कूल्ड आता है, और वो भी सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है आइसर, आइसर ट्रैक्टर, है ना। ऐसे ट्रैक्टर्स के अलावा कोई और कंपनी एयर कूल्ड इंजन
नहीं बनाती है। ठीक है, तो एयर कूलिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है? इसमें सिंपल एक फिन्स लगी होती है, जो भी हमारा इंजन है, इंजन का जो सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, ये सिलेंडर ब्लॉक है और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिन्स लगी होगी। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जैसे फिन्स लगी होगी, तो ये फिन्स क्या करेगी, ये जो फिन्स है, ये फिन्स क्या करती है, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है। मतलब जहां पे अपना सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये फिन्स लगी होती है, तो ये क्या करेगा, वहां पे सरफेस एरिया बढ़ा देगी। अब सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ज्यादा जो इन्वायरमेंट की एयर है इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, और इसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो भी ब्लॉक का टेम्परेचर है या फिर जो भी उस फिन्स का टेम्परेचर है, उनके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एयर वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी और उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर एयर चला जाएगा, है ना। मतलब यहाँ से सामने से आपका एयर आ रहा है ना, इस साइड से एयर आएगा, इसके साथ कांटेक्ट करेगा, इसके साथ कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी हीट प्रेजेंट होगी वो हीट अब एयर अपने साथ एब्जॉर्ब करेगा और फिर चला जाएगा, है ना। इस टाइप से ये सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ पे एयर तो आप लोग फोर्सफुली भी भेज सकते हो या फिर विदाउट फोर्स से भी भेज सकते हो। अगर आपको फोर्सफुली भेजना है तो आपको वहां पे ब्लोअर्स लगाना पड़ेंगे, डक्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। इस टाइप के यहाँ पे चीजें अगर लगाओगे तो एयर जो होगी एयर फोर्सफुली इसके अंदर जाएगी। ठीक है, ये जो एयर कूल्ड इंजिन है, एयर कूल्ड इंजिन की आप लोग बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट कितना कूलिंग ये कर पाएगा, है ना। इनका मतलब ये फिक्स नहीं हो पाता है, ये इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है या फिर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से इनका कूलिंग बेस्ट होता है। नेक्स्ट है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो अभी लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है, तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम क्या करेगा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम में यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होगा। ठीक है, लिक्विड में वाटर हो सकता है या फिर आपका कूलर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें रेडिएटर होगा या फिर रेडिएटर नहीं भी होगा। अगर रेडिएटर है तो यहाँ से रेडिएटर से वाटर जो आएगा, वाटर सीधा आपके इंजन में जाएगा और इंजन से फिर हीट को अपने साथ एब्जॉर्ब करके फिर से रेडिएटर में आ जाएगा। तो इस टाइप का ये पूरा कूलिंग सिस्टम होता है। अब लिक्विड कूलिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है और हर एक जो पार्ट होता है उसका उसका क्या वर्किंग होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, रेडिएटर होता है और प्रेशर कैप होता है। ठीक है, रेडिएटर के ऊपर वाला जो कैप होता है उसको हम लोग प्रेशर कैप बोलते हैं, रेडिएटर एंड प्रेशर कैप। उसके बाद होता है फैन, है ना, रेडिएटर में रेडिएटर को हवा देने के लिए, है ना, रेडिएटर को कूल करने के लिए। उसके बाद होता है वाटर पंप, कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो देने के लिए, जो भी आपका गैलरीज है, वाटर गैलरीज या फिर वाटर जैकेट, उसके अंदर वाटर को फ्लो करने के लिए वाटर पंप होता है, इन्हें वाटर जैकेट होती है, यहाँ पे वाटर आपका कंटेंट होता है। ठीक है, उसके बाद थर्मोस्टेट वाल्व होता है, थर्मोस्टेट वाल्व का बड़ा ही रोल, अच्छा रोल है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे क्या काम करता है। उसके बाद रिकवरी टैंक होता है, ये रेडिएटर से कनेक्टेड होता है या फिर ये पाइप से रेडिएटर से कनेक्ट होता है। उसके बाद होते हैं कनेक्टिंग होसेस, देन लिक्विड एयर कूलर। तो हर एक चीज अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा रेडिएटर। तो भाई रेडिएटर क्या काम करता है, रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर होता है ना। आप लोगों ने हीट एक्सचेंजर HMT में पढ़ा होगा या फिर डेली टेक्नोलॉजी में हीट एक्सचेंजर्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर्स मतलब ये क्या करेंगे कि हीट को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये रेडिएटर का एक कट सेक्शन है, कट सेक्शन इमेज है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये इसका फिलर नेक, यहाँ से हम लोग वाटर या फिर जो भी हम लोग लिक्विड डालने वाले हैं वो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके ऊपर एक कैप आता है ना, रेडिएटर कैप। उसके बाद यहाँ से आप इधर देख पा रहे हो, ये है इनलेट फ्रॉम इंजन ब्लॉक, मतलब इंजन ब्लॉक में से जो हॉट वाटर आएगा वो यहाँ से अंदर इंटर करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये कूल होने के बाद एक नीचे लोअर टैंक रहेगा इसका, है ना, अब ऊपर टॉप टैंक या फिर अपर टैंक रहता है, नीचे लोअर टैंक होता है, बॉटम टैंक। तो ये बॉटम टैंक में आने के बाद यहाँ से फिर एक आउटलेट निकलता है, ये आउटलेट जाता है इंजन ब्लॉक के लिए।
पंप से होते हुए ये जाएगा इंजन ब्लॉक में, तो यहाँ पे ये कूल वाटर हो जाता है, ये कूल वाटर फिर आगे इंजन के अंदर सर्कुलेट होगा। तो ये इस टाइप का ये रेडिएटर का कंस्ट्रक्शन होता है। अब रेडिएटर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, देखो अभी हॉट वाटर कहाँ पे आ गया, ये आ गया रेडिएटर के अंदर, ठीक है, रेडिएटर के अंदर यहाँ से आ गया रेडिएटर के अंदर हॉट वाटर। आने के बाद यहाँ पे ऐसे बहुत सारी ट्यूब्स बनी होती है इस टाइप की, ठीक है ना, इस टाइप की ट्यूब्स बनी होती है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स रहेंगी, ठीक है, यहाँ पे तो ये ट्यूब्स बनी होती है। तो ये क्या करती है, अपर टैंक से, ये अपर टैंक से पानी को उठा के लोअर टैंक तक भेजती है, अपर टैंक से पानी को उठा के लोअर टैंक तक भेजेगी। तो उस टैंक पे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे फिंस जैसी फिंस लगी होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे पीछे एक फैन होता है ना, वो फैन क्या करता है, एयर को सक करता है। तो जैसे ही एयर इस फिंस के थ्रू, ये रेडिएटर के थ्रू इस साइड में जाएगी, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये जो ट्यूब है, ट्यूब में क्या है, हॉट वाटर प्रेजेंट है। और जब हॉट वाटर प्रेजेंट है, वो उसके कॉन्टैक्ट से एयर जब गुजरेगी, तो ये एयर क्या करेगी, इस हॉट वाटर को फिर से कूल करने का काम ये करती है। तो इस टाइप से इस रेडिएटर में कूलिंग होता है इस टाइप से। तो हीट कैसे एक्सचेंज होती है, यहाँ पे हॉट वाटर है, हॉट वाटर से कहाँ पे आई, इस ट्यूब में आई, फिर ट्यूब से ये जो ट्यूब को जो एयर टच होके गई, तो ये एयर में इसने हीट को एक्सचेंज किया। तो इस टाइप से यहाँ पे ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा रेडिएटर कैप, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है रेडिएटर कैप। कहाँ पे लगता है, रेडिएटर के जो भी ये ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग के एग्जैक्ट ऊपर। अब रेडिएटर कैप में दो वॉल्व होते हैं, एक होता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व और दूसरा होता है वैक्यूम वॉल्व। अब प्रेशर रिलीफ वॉल्व, ये जो स्प्रिंग देख पा रहे हो, स्प्रिंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व, और दूसरा होता है वैक्यूम रिलीफ वॉल्व, है ना, एक हो गया प्रेशर रिलीफ वॉल्व और दूसरा हो गया वैक्यूम रिलीफ वॉल्व। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैसे, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस जिप फाइल में, तो यहाँ पे एक ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं पे जा रहा है। तो ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन जा रहा है आपका कहाँ पे, रिकवरी टैंक में। रेडिएटर के पास एक रिकवरी टैंक होता है। तो जैसे ही रेडिएटर में आपका वाटर आया, हॉट वाटर, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे वेपर्स बढ़ेगी। तो ये वेपर्स क्या करेगी, इस रेडिएटर कैप को खोलने की कोशिश करेगी, या फिर इस वेपर्स कहीं पे निकलने की कोशिश करेगी। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो प्रेशर जैसे ही बढ़ता है, वेपर्स जनरेट हुई, वहां पे हॉट वाटर आया, हॉट वाटर आने की वजह से उसमें वेपर प्रोड्यूस हुई, वेपर प्रोड्यूस होने के बाद वहां पे प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर की वजह से ये जो स्प्रिंग वाला जो वॉल है हमारा, प्रेशर रिलीफ वॉल, ये उस प्रेशर की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये अप साइड में मूव करेगा, ये स्प्रिंग को दबाएगा। जैसे ही स्प्रिंग दबेगी, ये वॉल ओपन होगा, तो ये वॉल ओपन होते ही ये जो ओपनिंग है इसकी, ये ओपनिंग ओपन हो जाएगी। मतलब ये देखो, अभी यहाँ पे ये इस सीट पे बैठा हुआ था, ठीक है, ये सीट की वजह से जैसे ही ये ऊपर उठेगा, तो ये इस रास्ते जो वेपर्स है, इस रास्ते से होते हुए इस ओपनिंग से चली जाएगी, कहाँ पे, आपकी रिकवरी टैंक में, ठीक है, रिकवरी टैंक में चली गई। अब आपका फ्लो तो इस साइड में, ये जो भी फ्लो रेडिएटर में हो रहा था वो तो हो रहा है। उसके बाद जैसे ही ये वाटर यहाँ पे जो हॉट वाटर था, ये कूल हुआ, कूल होने के बाद होगा क्या, यहाँ से वाटर फिर इंजन में जाएगा, है ना। तो इंजन में जैसे वाटर जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी जगह अगर खाली होती है ना, ये आपका रेडिएटर खाली होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम जनरेट होने लगेगा। तो उसी टाइम पे आपका ये जो वैक्यूम रिलीफ वाल है, ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब ये कैसे वर्क करता है, ये सिंपल सा, ये जो एक रबर का बना होता है, एक रबर टाइप का कैप, ये रबर अंदर की ओर खींचा चलाता है। जैसे ही रबर अंदर की ओर खींचे चलाएगा, तो ये नीचे के साइड में मूवमेंट करेगा। रबर जैसे नीचे के साइड में मूवमेंट करेगा, तो उसी टैंक में जो हमारा रिकवरी टैंक में आपकी वेपर्स या फिर कूलेंट चला गया था, वो कूलेंट क्या होगा, इसी रास्ते से वापस होते हुए रेडिएटर में चला जाएगा। तो ये जो दोनों वाल्व जो होते हैं, ये दोनों वाल्व यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एक
प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं और वैक्यूम को भी मेंटेन करने का ये काम करते हैं। तो आपको रेडिएटर कैप के बारे में और चीजें बता दूं, फार्मर्स क्या करते हैं रेडिएटर का निकाल के फेंक देते हैं, तो ये आपका क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या करते हैं कोई कोई किसान, इस रेडिएटर कैप से जब आपका लीकेज होना स्टार्ट होता है या फिर रेडिएटर कैप जब खराब होता है तो रेडिएटर कैप को बदलते नहीं है, यहाँ पे सीधा पन्नी लगा के काम करते हैं, मतलब यहाँ पे पन्नी लपेटेंगे और इसको सीधा क्लोज कर देंगे। जब यहाँ पे आप पन्नी लगा दोगे तो इसका ये दोनों वाल्व काम करना बंद कर देगी, ठीक है। अगर मान लो प्रेशर वाल्व अगर खुल भी गया, पन्नी लगाने के बाद भी प्रेशर वाल्व खुल सकता है लेकिन आपको वैक्यूम वाल्व नहीं खुल पाएगा, तो इस टाइप से यहाँ पे किसान ये चीज ये सावधानियां नहीं रखते हैं। और एक चीज होती है कि जैसे आपका स्टार्ट इंजन स्टार्ट है, वर्किंग इंजन वर्किंग की सिचुएशन में है, ट्रैक्टर लगा दिया इंजन स्टार्ट ही है, और उस टाइम पे भी हम लोग रेडिएटर कैप को खोलने की कोशिश करते हैं, और उस टाइम पे अगर हम लोग रेडिएटर कैप खोलेंगे तो यहाँ पे ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो क्या करेगा, प्रेशर भी होता है, जैसे आप लोग रेडिएटर कैप खोलोगे तो कूलेंट या फिर जो भी वाटर है ये सीधा आपके हाथ में आ सकता है, आपके आंख में आ सकता है, तो उस टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसको कभी भी वर्किंग कंडीशन में इंजन स्टार्ट है उस टाइम पे इसको खोलना नहीं है रेडिएटर कैप को। इंजन आपने बंद किया उसके बाद आधा से एक घंटा आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको रेडिएटर कैप को खोलना है, ठीक है। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व कितने PSI पे खुलता है, ये 13 PSI पे खुलता है ना, 13 PSI पे या फिर 0.92 kg/cm² के प्रेशर पे खुलता है, ठीक है। कोई कोई कैप पे ही इसका प्रेशर मेंशन होता है। आप अभी आप जिसके जिसके घर में ट्रैक्टर होंगे तो आप बोनेट उठा के रेडिएटर कैप पे आप देखोगे तो 0.98 लिखा मिलेगा या फिर 0.92 या फिर 0.93, इस टाइप से यहाँ पे आपको ऊपर रेडिएटर कैप के ऊपर ही आपको यहाँ पे ये प्रेशर लिखा हुआ दिखेगा। 0.98 मिली में हो सकता है, 0.92 हो सकता है, 0.93 भी हो सकता है, अलग अलग ट्रैक्टर अलग अलग आपके प्रेशर कैप जो भी होते हैं ये बनाते हैं प्रेशर रिलीफ। और ये जो लिखा होता है ये 0.98, 0.98, 0.92, 0.93 ये जो भी लिखा होता है ये इसके प्रेशर रिलीफ वाल का प्रेशर जो होता है कि कितने प्रेशर पे ये रिलीफ वाल खुलेगा उसका प्रेशर वहां पे लिखा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अगर आपका प्रॉपर रेडिएटर कैप अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्या इफेक्ट होंगे इसको। तो सबसे पहले आपका जो भी वाटर है या फिर कूलेंट है वो लॉस होगा फ्लैशिंग के टाइम पे, है ना, वाटर या फिर कूलेंट ये लॉस हो जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो वेपर्स के माध्यम से या फिर बॉइलिंग होता है, ये बॉइलिंग होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये उस रेडिएटर कैप अगर आपने यूज नहीं किया है सही तरीके से तो वहां से ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज इवेपोरेशन वजह से ये जाएगा। उसके बाद ये क्लोज कूलिंग सिस्टम जो होता है ये ओपन कूलिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडिएटर कैप अगर आप लोगों ने सही तरीके से यूज किया वहां पे तो ये क्लोज कूलिंग सिस्टम रहता है, अदरवाइज ये ओपन कूलिंग सिस्टम हो जाता है। और एक इंस्ट्रक्शन है कि रेडिएटर कैप को आपको ओपन नहीं करना है जब भी इंजन हॉट हो। नेक्स्ट है हमारा रिकवरी टैंक। तो रिकवरी टैंक माउंट कहाँ पे होता है कि एग्जैक्ट रेडिएटर के ऊपर माउंट हो सकता है या फिर ये कई और जगह पे भी माउंट हो सकता है, रेडिएटर के बैक साइड में माउंट हो सकता है या फिर किसी और जगह पे ये माउंटिंग ब्रैकेट पे ये माउंट हो सकता है। अभी इस इमेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेडिएटर के ऊपर ही ये माउंट अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिएटर से आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रेशर कैप है, प्रेशर कैप के साइड से एक ओपनिंग आ रही है, ये सीधी आ रही है ये हमारी रिकवरी बोतल में या फिर रिकवरी टैंक में, है ना। तो इस टाइप का यहाँ पे ये रिकवरी टैंक माउंट होता है। तो ये रिकवरी टैंक क्या करता है, जब प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन होगा तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, जो भी एक्सेस आपका वाटर है या फिर कूलेंट है वो कूलेंट को ये रिकवरी टैंक में आ जाएगा। उसके बाद जब इसमें से लेवल कम हो जाएगी रेडिएटर में, तो लेवल कम होने के बाद इसमें जो अभी एक्सेस कूलेंट आया था या फिर वाटर आया था वो वापस ये
रेडिएटर में भेज देगी, ठीक है। जिसमें रिकवरी टैंक लगा होगा उस टैंक के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर पंप। तो वाटर पंप क्या वर्किंग करता है, वाटर पंप वर्क करता है, ये इंजन के अंदर वाटर को या फिर कूलेंट को कंटिन्यूअसली सप्लाई देने का काम करता है, या फिर कंटिन्यूअसली इसको सराउंड करने का काम करता है ये वाटर पंप। तो वाटर पंप में अभी हम लोग देख लेते हैं, ये जो ओपनिंग आप देख पा रहे हो, ये वाली ओपनिंग जो होती है, ये ओपनिंग आपसे आती है रेडिएटर से, है ना। रेडिएटर का जो बॉटम टैंक होगा, ये रेडिएटर का बॉटम टैंक यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे, ये देखो ये रेडिएटर का ये बॉटम टैंक वाला जो कनेक्शन है, ये निकल के जाता है ये इस कनेक्शन में। तो रेडिएटर से कनेक्शन आता है यहाँ पे, उसके बाद इम्पेलर इसको आगे भेजेगा, इम्पेलर डिस्चार्ज, इम्पेलर चलेगा तो डिस्चार्ज मिलेगा। और यहाँ पे ये जो आप इस एयर वाले जो कनेक्शन देख रहे हो, ये कनेक्शन होती है आपकी कूलिंग जैकेट, जो भी इंजन का कूलिंग जैकेट होगा उसके लिए ये कनेक्शन होती है। ये इंपेलर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये इंपेलर यहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट है थर्मोस्टैट वाल्व, ठीक है। तो थर्मोस्टैट वाल्व जो है ये टेम्परेचर पे ओपन और क्लोज होता है। तो ये मिनिमम डीजल इंजन में 72 डिग्री से ओपन होना स्टार्ट होता है और 88 डिग्री पे ये फुली ओपन होता है। कोई कोई इंजन में ये 92 डिग्री तक फुली ओपन होता है, ठीक है। तो ओपन होना कब स्टार्ट हो रहा है, 72 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 72 डिग्री सेल्सियस पे ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। और फुली ओपन कितने डिग्री पे हो रहा है, 88 डिग्री सेल्सियस पे फुली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा एक, इसमें दो तीन टाइप्स आते हैं थर्मोस्टेट वाल्व के। तो इसमें सिंपल सा ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और टेम्परेचर को सेंस करेंगे तो टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब इसका काम क्या होता है, तो ये जो होता है इंजिन के अंदर जो वाटर आपका प्रेजेंट है, उस वाटर को दोबारा सर्कुलेट कर सकता है, या फिर ये क्या करता है, डायरेक्ट आपका जो रेडिएटर है उसमें भेजने का काम करता है। मतलब एक एक बाईपास पे लगा दिया जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, अगर इंजन का इंजन में जो भी आपने वाटर एक बार भेजा, एक बार भेजने के बाद वहां पे वो क्या किया, वो पूरा वहां पे जो भी गैलरीज बनी है वाटर जैकेट में, उस वाटर जैकेट वाली गैलरीज में घूमा, उसके बाद ये आएगा थर्मोस्टैट वाल्व के पास। फिर थर्मोस्टैट वाल्व अगर चेंज करेगा कि इसका टेम्परेचर जो है 72 डिग्री सेल्सियस हो गया है, अगर उसने सेंस किया कि इसका टेम्परेचर अभी उतना नहीं हुआ है, मतलब आपका इंजन जो है, इंजन अभी ये क्या चल रहा है, ये लोअर टेम्परेचर पे चल रहा है, इंजन का वर्किंग टेम्परेचर अभी मेंटेन नहीं हुआ है, तो मतलब उससे कम वर्किंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे चल रहा है, तो ये ओपन नहीं हो पाएगा। ये ओपन नहीं होगा तो ये फिर से उस वाटर को क्या करेगा, वापस पंप के थ्रू ये वापस भेज देगा इंजन के जो भी आपका वाटर जैकेट होगा, कूलिंग जैकेट, उसमें फिर से भेज देगा। तो ये क्या करता है, ये आपका टेम्परेचर को मेंटेन, इंजन का वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ये आगे वाले स्लाइड से हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट वर्किंग कहाँ पे होता है, ये लगा कहाँ पे होता है, तो इसका वर्किंग कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कूलिंग फैन। तो कूलिंग फैन है, फैन एक दो काम कर सकते हैं, या तो हवा को खींच सकते हैं या फिर हवा को बाहर भेज सकते हैं, बाहर की तरफ फेंक सकते हैं। तो ट्रैक्टर में जो भी फैंस होते हैं, ट्रैक्टर में फैंस हमेशा सक्शन फैंस होते हैं, ठीक है। और ये फैंस कहाँ पे होंगे, रेडिएटर के पिछले साइड में लगे होंगे, है ना। तो आप लोगों को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैक्टर में किस तरह का फैंस लगा होता है। तो ट्रैक्टर में हमेशा जो भी फैंस लगते हैं, ट्रैक्टर में फैंस हमेशा सक्शन फैन ही लगे होते हैं। सक्शन फैन मतलब क्या है कि ये हवा खींचने वाले फैंस लगे होते हैं, ठीक है। तो ये रेडिएटर के पीछे एग्जैक्ट लगे होते हैं, और जो आपका पंप जो होगा जिसमें इम्पेलर लगा होगा, जो भी सेंट्रिफ्यूगल पंप लगा होगा, सेंट्रिफ्यूगल पंप के से ही एक शाफ्ट आती है, उस शाफ्ट पे ये माउंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कूलेंट की। तो कूलेंट जो होते हैं, कूलेंट ये मिक्सचर होते हैं आपका वाटर का और इथिलीन ग्लाइकोल का, है ना। तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इथिलीन कूलेंट किस चीज से बना होता है, तो इथिलीन ग्लाइकोल से बना होता है। तो कूलेंट सिंपल एक मिक्सचर होता है वाटर एंड इथिलीन ग्लाइकोल। अब कूलेंट के एडवांटेजेस क्या है यूज करने के, तो कूलेंट जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उस टाइम पे ये कूलेंट जो होता है ये एंटी कोरोजिव एजेंट होता है ना। एंटी कोरोजिव मतलब वहां पे वो कोरोजन को डेवलप नहीं होने देता। जो भी आपका रेडिएटर हो गया, रेडिएटर आपका मेटल बॉडी है, और इंजन जो है, इंजन में जो भी आप देख रहे हो कि एक इंजन का जो भी ब्लॉक बना होता है कास्ट आयरन का बना होता है, तो उस गैलरी में या फिर उस वाटर जैकेट में ये जब वाटर घूमेगा तो वहां पे वाटर एक कोरोजन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो भी आपका कूलेंट है ये एंटी कोरोजिव होता है, तो वहां पे आपको ये जंग जो बोलते हैं हम लोग उसको लगने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये टेम्परेचर जो भी है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उस लिक्विड का, उसको ये बढ़ा देता है, उस सिस्टम को बॉइलिंग टेम्परेचर को ये बढ़ाने का काम करता है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने 67% अगर कूलेंट डाल दिया और उसमें 33% अगर आपने वाटर मिक्स किया है, तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर, इस मिक्सचर का बॉइलिंग टेम्परेचर बताया जाता है 113 डिग्री सेल्सियस, मतलब 113 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद अगर इसकी फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसकी फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाती है -69 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, तो इस नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, ये जीरो सॉरी बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस टाइप का कूलेंट को हम लोग जब यूज करते हैं तो हमें दो एडवांटेजेस मिलते हैं कि ये आप लोग इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है ना, ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइल करने वाला है, और दूसरा ये हम लोग ये कोल्ड कंडीशन में भी इसको ये फ्रीज नहीं हो पाएगा। अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर चला जाता है तो भी ये फ्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके तीन बेसिकली एडवांटेज हैं, ये तो एंटी कोरोजिव होता है, दूसरा एंटी फ्रीज एजेंट होता है, और तीसरा ये क्या होता है, ये टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अब देखते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम के कितने टाइप होते हैं। तो इसमें बेसिकली चार तरह से कूलिंग हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट कूलिंग, है ना, या फिर इसको नॉन रिटर्न कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद होता है थर्मोसीबॉन, नेक्स्ट होता है हुपर सिस्टम, और लास्ट में होता है हमारा पंप या फिर फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो डायरेक्ट और नॉन रिटर्न कूलिंग सिस्टम जो होता है ये हमें देखने को मिलता है जो भी हम लोग नहर पे या फिर रिवर पे जो सिंगल सिलेंडर इंजन लगाते हैं पानी को उठाने के लिए, तो उस टाइप के जो इंजन होते हैं उसमें हमें डायरेक्ट या फिर नॉन रिटर्न कूलिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो इसका एक ये कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ये वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, मतलब वाटर की कोई कमी नहीं होगी, तो उस टाइप पे हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, ये पाइपलाइन से वाटर अंदर आता है, और अंदर आने के बाद एक बार सर्कुलेट हो गया तो उसको फिर बाहर छोड़ देंगे, है ना, फिर से वो वाटर अंदर नहीं आ पाएगा, फिर से दूसरा फ्रेश वाटर अंदर आएगा। तो इस टाइप का ये कूलिंग सिस्टम होता है। जब हम लोग इंजन डिसमेंटल करेंगे तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि हम लोग सिंगल सिलेंडर इंजन ही डिसमेंटल करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मोसिपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। अब थर्मोसिपन जो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है ये हम लोग पावर टिलर्स में देखते हैं। पावर टिलर्स में इस टाइप का कूलिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो ये जो वर्क करता है ये थर्मोसेपोनिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थर्मोसेपोन प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। और इस टाइप का सेम प्रिंसिपल हमें और कहाँ पे देखने को मिलता है, इस टाइप का सेम प्रिंसिपल हमें जो भी हमारा सोलर वाटर सोलर जो देखते हैं हम लोग सोलर सिस्टम हमारे ऊपर जो लगा होता घर के ऊपर जो लगा होता है, जिससे हम लोग सोलर से एनर्जी लेके, है ना, सन से एनर्जी लेके उसमें हम लोग वाटर को हॉट करते हैं, तो उस टाइप के सोलर सिस्टम में भी यही थर्मोसाइक्लिक इफेक्ट पे वो वर्क
है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, थर्मोसेपेनिक इफेक्ट होता क्या है एग्जैक्ट? तो थर्मोसेपेनिक इफेक्ट होगा क्या कि इसमें जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर की डेंसिटी अलग होगी, हॉट वाटर की डेंसिटी अलग होगी। तो कोल्ड वाटर ये एक ही टैंक में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर अगर प्रेजेंट है तो हॉट वाटर जो होगा ये ऊपर प्रेजेंट रहेगा, कोल्ड वाटर नीचे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इंजन के अंदर क्या होता है, ये कोल्ड वाटर क्या करता है, इस हॉट वाटर को ये धकाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रेडिएटर लगा हुआ है। ठीक है ना, जिसमें रेडिएटर होता है, थर्मोसेफेनिक वाटर सर्कुलेशन सिस्टम में रेडिएटर होगा, बस पंप नहीं होगा, है ना, वाटर को फोर्सफुली भेजने के लिए पंप नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, रेडिएटर जरूर होगा। तो रेडिएटर में अपर टैंक में आपका हॉट वाटर प्रेजेंट है, लोअर टैंक में कोल्ड वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये कोल्ड वाटर क्या करेगा, ये कोल्ड वाटर इस हॉट वाटर को जबरदस्ती आगे धकाएगा, है ना, ये जबरदस्ती आगे धकाएगा। ये किस लिए, ये डेंसिटी इफेक्ट पे, सिर्फ डेंसिटी इसकी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ये दर्शाएगा, और फिर हॉट वाटर क्या आ जाएगा, फिर आपके रेडिएटर टैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है होपर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, कूलिंग के लिए एक बड़ा सा होपर दे देते हैं, है ना, वाटर जैकेट के ऊपर एक बड़ा सा होपर दे देते हैं, और इस होपर में आपका वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस होपर से ही ये वाटर कूलिंग के लिए वाटर जैकेट में जाता है, और इसमें से फिर ये जो भी हॉट वाटर है फिर से आइए आगे चला जाएगा आपके होपर में, है ना, और कोल्ड वाटर फिर से आगे ना आएगा ये वाटर जैकेट में। तो इसलिए कंटिन्यूअस ये सिस्टम इसमें बना होता है। इस टाइप के जो कूलिंग सिस्टम है ये हम लोगों ने पुराने टाइम में जो आटा चक्की जो आती थी उसमें ये लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये इस टाइप का कूलिंग सिस्टम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्स सर्कुलेशन या फिर वाटर कूलिंग, फोर्स सर्कुलेशन वाटर कूलिंग या फिर पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, एक फैन होगा, उसके बाद रेडिएटर होगा, ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक पंप लगा होगा, वाटर पंप और थर्मोस्टेट पंप। तो थर्मोसिपन जो सिस्टम होता है उसके जैसे ही होता है, बस इसमें क्या होता है, दो चीजें एक्स्ट्रा लगनी होती है, एक वाटर पंप लगा होता है और दूसरा होता है थर्मोस्टेट वाल्व। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें, इस टाइप वाले कूलिंग सिस्टम में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये थर्मोस्टेट वाल्व का भी हम लोग यहाँ पे वर्किंग देखेंगे, और इसका फ्लो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये रेडिएटर में आपका वाटर आया, तो यहाँ पे ये कूलिंग करेगा, कूलिंग करने के बाद ये वाटर जाएगा सीधा आपके थर्मोस्टेट वाल्व की तरफ। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व आपका अगर ओपन है, थर्मोस्टेट वाल्व अगर ओपन है तो ही ये वाटर आगे जा सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी थर्मोस्टेट वाल्व ओपन है, तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होने की वजह से ये वाटर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो आपका पंप है ना, तो पंप का जो इंपेलर है, पंप के इंपेलर क्या करेगा, इस वाटर को आगे भेजेगा, है ना, फोर्स की वजह से। तो ये वाटर फिर पूरे इंजन के अंदर सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होने के बाद ये फिर से यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बाईपास पाइप है ये वाला, है ना, ये बाईपास पाइप है। तो ये आएगा सबसे पहले बाईपास पाइप में, बाईपास पाइप से जाने के बाद ये जाएगा थर्मोस्टेट वाल्व की, सीधा थर्मोस्टेट वाल्व की तरफ। अगर थर्मोस्टेट वाल्व, सुनिए, अगर थर्मोस्टेट वाल्व ओपन है तो ये सीधा बाईपास से होते हैं, ये सीधा कहाँ पे चला जाएगा, इंजन में जाएगा। थर्मोस्टेट वाल्व ओपन है तो ये जो हॉट वाटर है ये कहाँ पे चला जाएगा, इंजन में चला जाएगा। अगर थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज है तो थर्मोस्टेट वाल्व अगर क्लोज होने की कंडीशन में ये वाटर यहाँ से आएगा, और यहाँ से आते हुए ये चला जाएगा आपके सीधे वापस इंपेलर में, पंप में, और पंप से फिर से वही वाटर वापस सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन आती है थर्मोस्टेट वाल्व ओपन की, और एक कंडीशन आती है थर्मोस्टेट क्लोज की। अगर थर्मोस्टेट ओपन है तो रेडिएटर से वाटर जा रहा है कहाँ पे, इंजन के अंदर, थर्मोस्टेट ओपन है तो, और उसी टाइम पे जो इंजन से जो वाटर आ रहा था हॉट वाटर, तो ये हॉट वाटर सीधा रेडिएटर में जा रहा है, थर्मोस्टेट ओपन वाली कंडीशन। थर्मोस्टेट क्लोज वाली कंडीशन,
रेडिएटर से जो वाटर आ रहा था ये बस थर्मोस्टेट वॉल तक आएगा, आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, आगे नहीं जा रहा है वाटर। उसके बाद जो इंजन से जो हॉट वाटर आ रहा था ये थर्मोस्टेट तक आया, फिर ये बाईपास से होते हुए फिर से ये इंजन सिलेंडर के अंदर या फिर आपको वाटर जैकेट के अंदर ये चला गया कूलिंग के लिए, है ना। तो क्लोज वाली और ओपन वाली कंडीशन यहाँ पे आप समझ पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये जो भी लेक्चर है आज का कूलिंग सिस्टम का आप समझ पाए होंगे। अभी हम लोग देखते हैं, हमारे साथ आज प्रैक्टिकल सेशन के लिए रोहित जी कनेक्ट हुए थे, तो अभी रोहित जी प्रेजेंट है क्या, देखते हैं। हम चलेंगे असल ने कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया, उसका चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि असल ने बताया, कूलिंग सिस्टम क्या है? इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक, क्योंकि पावर स्ट्रोक के दौरान बहुत सारे हीट जनरेट होते हैं। उस हीट को यदि हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंजन हमारा सीज जाएगा। तो इस हीट को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं ट्रैक्टर में, वही ट्रैक्टर हमारे स्पॉट 335 मतलब 335, ठीक, उस मॉडल में हम पुराने तरीके का कूलिंग सिस्टम है, ठीक, उसको देखते हैं कूलिंग सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, ठीक। तो जैसा कि सर ने बताया था, कूलिंग सिस्टम में तीन पार्ट, कूलिंग सिस्टम में सबसे मेन पार्ट क्या है हमारा, रेडिएटर, ठीक है। ये हमारा रेडिएटर है, आपको साइड से दिखा दे रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये हमारा है रेडिएटर, जो कूलिंग सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है हमारा रेडिएटर। तो रेडिएटर में देखते हैं, तो रेडिएटर में सबसे पहले क्या आता है, ऊपर एक कैप होती है, ठीक, रेडिएटर कैप, जैसा कि यहाँ दिख रहे ऊपर एक रेडिएटर कैप होता है, ठीक। उस कैप के थ्रू क्या करते हैं हम, उसके अंदर वाटर या फिर कूलेंट फिल करते हैं, ठीक। तो रेडिएटर कैप के नीचे देख रहे हैं टैंक बनी हुई है ये, ठीक। ये जो टैंक है इस टैंक को बोलते हैं अपर टैंक, ठीक। फिर जस्ट उसके नीचे, इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं एक टैंक और बनी हुई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं लोअर टैंक। ऊपर हो गए अपर टैंक और नीचे हो गए लोअर टैंक, ठीक। इन दोनों टैंकों को आपस में कनेक्ट करने का काम क्या करते हैं, ट्यूब। ये देख रहे हैं लाइनिंग जो बनी हुई है, ये पतले पतले ट्यूब है इसके, कॉपर के, ठीक। ऐसा मटेरियल यूज करते हैं रेडिएटर में जो कि हीट का ट्रांस हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी करता है, इसलिए यहाँ पर कॉपर कह रहे हैं, कॉपर हीट का ट्रांसफर जल्दी जल्दी करता है, इसलिए कहते हैं कॉपर के पतली पतली ट्यूब इसमें बनाते हैं। ये जो लाइनिंग खड़ी लाइनें दिख रही हैं, ये क्या है, कॉपर के ट्यूब है जो क्या करता है, अपर टैंक और लोअर टैंक को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक। और इस ट्यूब के रास्ते से क्या होता है, वाटर क्या होता है, अपर टैंक से होकर के इस ट्यूब के रास्ते से आता है लोअर टैंक में, यहाँ पर लोअर टैंक तक आता है ट्यूब के रास्ते से। अब क्या है, इसमें कूलिंग सिस्टम बढ़ाना है, किसी चीज़ की कूलिंग करनी है, प्रॉपर करनी है, उसका क्या करिए, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा दीजिए। जिस चीज़ का जितना अधिक कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा वो उतना अधिक कूलिंग करेगा, ठीक। अभी क्या है, केवल हमारी ट्यूब रहती है यहाँ पर, जबकि वो ट्यूब रहती है तो क्या होता है, कूलिंग प्रॉपर नहीं होती, क्यों, क्योंकि इस ट्यूब का कॉन्टैक्ट एरिया कम है। इस ट्यूब का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसे फिंस लगा दिए हैं, जैसे जैसे देख रहे हैं पत्ती लगी हुई है, इसको बोलते हैं फिंस, जो क्या है ट्यूब के ऊपर लगा देते हैं ताकि ट्यूब का हमारा कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाए। यदि ट्यूब का हमारा कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो कूलिंग प्रॉपर करेगा वाटर का, उसके अंदर ट्यूब के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसका उसका क्या होगा, कूलिंग प्रॉपर होगा, ठीक है। तो ये हमारा फुल रेडिएटर है, तो जैसे हमारा ट्रैक्टर चलता है तो क्या होता है, अपर टैंक का वाटर सीधे कहाँ जाता है, ट्यूब के रास्ते से लोअर टैंक में। तो लोअर टैंक में आने से पहले क्या होता है, अपर टैंक में जो हमारा हीट वाटर होता है, गर्म पानी होता है, उस पा वो हीट वाटर इस ट्यूब के रास्ते से जाती है। तो जब ट्यूब के रास्ते से आती है, ट्यूब पर क्या लगे, फिंस लगी हुई है, फिंस से कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा हुआ है, ठीक, कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो गई है, तो कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो गई है, उस साइड हमारे फैन लगे हुए हैं, सक्शन फैन, जो क्या करता है, हवा को अंदर बाहर से अंदर साइड खींचता है इसको, ठीक, सफ करता है एयर को। जब एयर सफ होती है तो क्या होता है, इस ट्यूब को, ट्यूब और फिंस के बीच में से जाती है हवा, जिससे क्या होता है, फिंस को और ट्यूब को प्रॉपर तरीके से ठंडा करता है, कूलिंग करता है। जब फिंस और ट्यूब की कूलिंग होगी तो उसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहे हैं वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से कूलिंग होगा, ठीक। कैसे होगा, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं
ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो हीट वाटर हमारे अपर टैंक से लोअर टैंक में आते आते, यहाँ तक इस लोअर टैंक में आते आते क्या होता है, ये वाटर कूल हो जाता है। ठीक, जैसे वाटर कूल हो जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर यही रेडिएटर है, ठीक, यही पूरा रेडिएटर है। ये रेडिएटर का क्या है, लोअर टैंक है, और ऊपर क्या है वो अपर टैंक है। यहाँ पर ये रहा अपर टैंक, ठीक, और ये रहा लोअर टैंक। ये तो लोअर टैंक में देख रहे हैं, यहाँ पे एक नीचे पाइप लाइन लगी है, हॉस पाइप, ठीक, इसको बोलते हैं हॉस पाइप। तो हॉस पाइप देख रहे हैं ये कहाँ तक गई हुई है, सीधे यहाँ से, मतलब कि जो हमारा कूलिंग वाटर है, जो हमारा वाटर कूल हो चुका है, वो क्या होगा इस लोअर टैंक से, जो लोअर हॉस पाइप है, लोअर हॉस पाइप से होते हुए इस रास्ते से कहाँ पाएगी, यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पाइप लाइन नहीं गई हुई है। ये पाइप लाइन जाते हुए कहाँ चली गई है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी हमारे थर्मोस्टेट वाल्व में, ठीक, ये कूल वाटर पाने यहाँ से आ जाएगी इसमें, सॉरी थर्मोस्टेट वाल्व नहीं, इसके कहाँ जाएगी, सिलेंडर, जो हमारा इंजन है, इंजन के अंदर जो वाटर जैकेट बने हुए हैं, ठीक, ये हमारा जो है इसके अंदर हमारा सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर के चारों तरफ क्या होता है, वाटर जैकेट बने होते हैं इसके चारों तरफ, ताकि हमारा पानी का सर्कुलेशन हो सके। तो जैसे ही यहाँ से कूलिंग कूल वाटर होकर के इसके अंदर वाटर जैकेट के चारों तरफ जाती है, तो वाटर जैकेट के अंदर क्या है, हमारा सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है, हीट होता है उसमें बहुत ज़्यादा, तो हीट को जैसे ही वाटर चारों तरफ सर्कुलेट होता है, वो इस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, को ऑब्जर्व करके वो कहाँ पर जाता है, वो हीट वाटर चला आता है सीधे यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व जहाँ लगा हुआ है, यहीं पर जहाँ कनेक्ट है, यहीं पर, यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व के थ्रू जैसे थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, वो कहाँ जाता है, हीट वाटर इस अपर हॉस पाइप से, ठीक, इसको बोलते हैं अपर हॉस पाइप। यहाँ से आया वाटर जैकेट में, पानी हीट हो गई है, हीट वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ से होकर के अपर हॉस पाइप से सीधे कहाँ जाएगा, अपर टैंक में, ठीक, अपर टैंक में गया, अपर टैंक में हमारा हीट वाटर आया, हीट वाटर से फिर हमारा रेडिएटर के ट्यूब के रास्ते से होते हुए फिर इसको ठंडा करते हुए कहाँ चला जाएगा, सीधे लोअर टैंक में, ठीक, रेडिएटर के लोअर टैंक में जाएगा, लोअर टैंक से फिर क्या होगा, लोअर हॉस पाइप से होते हुए, इस लोअर हॉस पाइप से होते हुए फिर कहाँ आएगा, फिर हमारा वहीं पर जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से होते हुए फिर वाटर जैकेट में चला जाएगा, ठीक। तो ऐसे हमारा ये वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है हमेशा। अब देखते हैं इसमें हमारा थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ है, तो एक हमारा यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस पोजीशन में देख रहे हैं, यहाँ पर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है यहाँ पर। तो थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या है, एक तरह का एक ट्रिक वाल्व होता है, वन वे वाल्व होता है, जो क्या होता है, पानी के सर्कुलेशन, जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, वो हमारा अपर टैंक में तुरंत फ्लो ना होने पाए, उसको क्या करता है, रोक के रखता है। ये कब तक रोके रखता है, जब तक कि हमारा इंजन इंजन का सही टेम्परेचर, मतलब कि उसका थर्मोस्टेट वाल्व का ओपनिंग टेम्परेचर जब तक नहीं आ जाता है। जैसे ही वाटर का ओपनिंग थर्मोस्टेट वाल्व के ओपनिंग टेम्परेचर के बराबर आ जाता है, वैसे वो क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है, और क्या होता है, वाटर जैकेट का जो हीट वाटर है वो क्या होता है, सीधे अपर हॉइस पाइप से होते हुए अपर टैंक में चला जाता है, ठीक। तो एक समस्या यहाँ पर यह आती है, सबको कन्फ्यूजन रहता है कि सर, जैसे कि हमने बताया कि लोअर हॉइस पाइप से वाटर आ रहा है, इसमें वाटर जैकेट के अंदर सिलेंडर जो है, इसके अंदर जो है वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट के चारों तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, और लोअर हॉस पाइप से वाटर आ ही रहा है हमेशा, जब वाटर हमेशा आ ही रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं एक पंप लगा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि ऑटोमेटिक एटमोस्फेरिक प्रेशर से या फिर ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें पंप लगा हुआ है यहाँ पर। ये पंप कहाँ लगा होता है, जो रेडिएटर का फैन है, ये है हमारा रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन किस टाइप का होता है, सक्शन फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है, इसका ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसमें लगा रहता है सक्शन फैन। ये सक्शन फैन है, ये फैन देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, फैन देखिए एक स्टार्टअप लगी हुई है, ये देख रहे हैं स्टार्टअप लगी हुई है, और ये स्टार्ट किससे कनेक्ट है हमारे, ये यहाँ पर वाटर पंप से है, ठीक है। ये पुली है, पुली के आगे यहाँ देख रहे हैं, इसके आगे इसके अंदर वाटर पंप है, जैसे ट्रैक्टर चलता है बेल्ट के थ्रू फैन फैन चलती है, जब फैन चलता है तो फैन के स्टार्टअप क्या लगा है, वाटर पंप लगा है। तो वाटर पंप चलता है, तो वाटर पंप चलता है तो क्या होगा, वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, सेमी क्लोज टाइप का एक इंपेलर लगा होता है, ठीक, सेमी क्लोज टाइप का एक इंपेलर इसके अंदर लगा हुआ है, जो क्या कहता है, ट्रैक्टर चलने के दौरान जब हमारा फैन चलता है, तो हमारा वाटर पंप भी चलता है, जो वाटर पंप चलता है क्या होता है, वाटर को सक करता है, कहाँ से सक करता है, इस लोअर हॉस पाइप से, ठीक,
मतलब कि इस लोअर हॉस पाइप से होते हुए कहाँ जाता है, इस पंप के अंदर। यहाँ लोअर हॉस पाइप है, लोअर हॉस पाइप से होते हुए वो इस पंप के पास जाता है, पंप क्या करता है फिर इसको कहाँ भेजता है, इसके अंदर, वाटर जैकेट के अंदर। ठीक, तो हमारा क्या है, ट्रैक्टर हमेशा चल रहा है, जब ट्रैक्टर हमेशा चल रहा है तो पंप भी हमारा हमेशा चलेगा, जब पंप चलता रहेगा तो वाटर को फ्लो करता रहेगा इसके अंदर, वाटर जैकेट के अंदर। लेकिन समस्या क्या है, वाटर जैकेट के अंदर फ्लो करता रहेगा, लेकिन क्या है कि हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है वो वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व। ठीक, जैसा इस सर ने बताया होगा, ओपनिंग टेम्परेचर उसका थर्मोस्टेट वाल्व का, तो वह थर्मोस्टेट पर क्या होता है, एक एक ओपनिंग टेम्परेचर पर खुलता है, निश्चित टेम्परेचर पर खुलता है, उससे पहले क्या करता है बंद कर रखता है ये वाल्व हमारा, इसको क्लोज करके रखता है, किसको, ये हमारा अपर जो हॉस पाइप है, जो आउटलेट है इसका, आउटलेट को क्लोज करके रखता है, तब तक क्लोज करके रखता है जब तक इसका सही टेम्परेचर पर ना आ जाए, मतलब कि थर्मोस्टेट वाल्व को ओपनिंग टेम्परेचर पर जब तक ना आ जाए तब तक ये थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज ही रहता है। तो हमारा थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज है, पंप यहाँ से हमारा पंप क्या कर रहा है, वाटर को फ्लो करता चला जा रहा है हमेशा, जब फ्लो करता चला जा रहा है तो बाकी वाटर जाएंगे कहाँ, क्योंकि वाटर जैकेट भी भर गया है, वाटर जैकेट इसका भर चुका है तो बाकी के वाटर कहाँ जाएंगे, तो बाकी के वाटर के लिए यहाँ पर देख रहे हैं एक बाईपास पाइपलाइन दिख रहा हुआ है, ये है पंप है, पंप के नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पाइपलाइन दिख रही है, ये किसको क्या बोलते हैं, बाईपास पाइपलाइन। ठीक है, थोड़ा सा ये अंदर है, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, बाकी ये क्या है, बाईपास पाइपलाइन है। तो ये बाईपास पाइपलाइन जो है ये कहाँ से कनेक्ट होती है, ये आपके थर्मोस्टेट वाल्व के पहले से देख रहे हैं, यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व है, ठीक, थर्मोस्टेट वाल्व के जस्ट नीचे ही आपको दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व है, थर्मोस्टेट वाल्व से जस्ट जस्ट नीचे देख रहे हैं एक पाइपलाइन लगी हुई है, क्लैंप नीचे वाला क्लैंप, इसको नहीं, ये तो हमारा लोअर हाउस पाइप है, ये वाला, ये नीचे देख रहे हैं एक क्लैंप लगा हुआ, वहाँ से एक पाइपलाइन गई हुई है नीचे, कहाँ पर गई है, वो पंप के पास गई है सीधे। ठीक, वो कौन सी पाइपलाइन है, बाईपास पाइपलाइन है। तो जैसे ही हमारा ये वाटर का फ्लो होता है, पंप करता रहता है, वाटर जैकेट भरने के बाद वाटर जैकेट भरता है तो इसके अंदर वाटर जैकेट के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, जब प्रेशर जनरेट होता है ये क्या होता है, ये वाटर ऊपर जाने की कोशिश करता है, कहाँ पर, आउटलेट में, आउटलेट पाइपलाइन में, लेकिन आउटलेट में, आउटलेट से पहले क्या लगा है, चेक वाल्व लगा हुआ है, मतलब कि थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है जो क्या है उसको क्लोज करके रखा है। तो वाटर जाएंगे कहाँ, लोअर हाउस पाइप में तो आ नहीं सकते, लोअर हाउस पाइप में, क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही पंप सकता है इस रास्ते से। तो क्या होता है, एक बाईपास पाइपलाइन दी गई है जो क्या कहता है, जो वाटर जैकेट से जो प्रेशराइज, जो मतलब कि थोड़ा सा जो वाटर का फ्लो हो रहा है बराबर, उस फ्लो को यहाँ से बाईपास के पाइपलाइन के रास्ते से वो क्या होता है, इस बाईपास जो पाइपलाइन है, इस बाईपास पाइपलाइन के थ्रू वो वाटर क्या होता है, सीधे सीधे पंप को दे दिया जाता है फिर रिटर्निंग। देख रहे हैं, ये भी पंप यहीं पर, इसके अंदर पंप है और पंप के पास से यहाँ पर देख रहे हैं वाटर जैकेट का, सॉरी, वाटर जैकेट के अंदर से जो हमारे बाईपास पाइपलाइन आई है वो हमारे सीधे कहाँ लगी है, पंप पर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लोअर हाउस पाइप से पानी गई, वाटर गया वाटर जैकेट के अंदर, वाटर जैकेट जैसे ही भर जाएगा, ठीक, पंप तो चलता रहेगा, जब पंप करेगा तो उसको स्टॉक भी करेगा। तो होता क्या है, जैसे ही वाटर जैकेट हमारा भर जाता है, ऊपर से हमारा पानी आना स्टार्ट करता है, जो वाटर जैकेट के अंदर जो वाटर होता है अपर हाउस पाइप पर नहीं जा पाता है, तो वो क्या होता है, सीधे चली जाती है बाईपास पाइपलाइन में, अब आती है इस बाईपास पाइपलाइन में। तो बाईपास पाइपलाइन में जैसे आती है बाईपास पाइपलाइन कहाँ लगी, सीधे वाटर पंप के पास। तो बाईपास पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, वो वाटर हमारा पंप को मिल जाता है, मतलब कि पंप हमारा जो पंप क्या स्टक कर रहा है, उसको कहाँ स्टक कर रहा है, लोअर हाउस पाइप से, उस वाटर को स्टक करने से पहले ही बाईपास पाइपलाइन क्या कर रहा है, उस वाटर पंप को वाटर दे रहा है, जो उसको पहले ही वाटर पंप वाटर मिल जा रहा है, तो क्या करता है, वो पंप क्या करता है, स्टक करने से पहले उस वाटर को फ्लो कर देता है, मतलब कि जो पाइप अब क्या है, जो बाईपास पाइपलाइन का है वो वाटर पंप को देने लगता है, जब पंप को देने लगता है तो लोअर हाउस पाइप का जो पाइपलाइन है इससे वाटर नहीं जाता है, इससे वाटर जाना बंद हो जाता है, मतलब इसका सस्ता रुक जाता है, क्यों रुकता है, क्योंकि बाईपास पाइपलाइन से हमारा वाटर जाना स्टार्ट हो जाता है पंप के पास से, पंप के पास से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इससे बाईपास पाइपलाइन से। तो जैसे बाईपास पाइपलाइन के थ्रू पंप के पास फ्लो स्टार्ट होता है, वो पंप क्या करता है, उसी वाटर को फिर वापस फ्लो कर देता है, कहाँ पर, वाटर जैकेट के अंदर। तो मतलब क्या है कि वाटर जैकेट के अंदर का ये पानी वो घूम फिर कर बाईपास पाइपलाइन के थ्रू वहीं पर सर्कुलेट होता रहता है। ठीक,
मतलब ये पंप जो है, पंप वाटर को फ्लो करता है, यहाँ पर लोअर हाउस पाइप से गया अंदर, वाटर जैकेट पूरा भर गया है, ठीक, वाटर जैकेट भर गया था, इसके अंदर जा नहीं पाएगा वाटर जैकेट के अंदर, तो वाटर जैकेट का पानी कहाँ पर जाएगा, ये हमारे बाईपास पाइप लाइन के पास, बाईपास पाइप लाइन सीधे लगे हुए पंप के पास, तो पंप सीधे वाटर दिया, वो कौन सा वाटर दिया, जो वाटर जैकेट के अंदर भरा हुआ है वही वाला पानी, ठीक, वही वाला पानी वो इसको दिया, पंप को दिया, और पंप ने क्या किया, उसी पानी को सर्कुलेट कर दिया किसमें, वाटर जैकेट के अंदर, मतलब क्या ये सर्कुलेशन ऐसे ही होता रहेगा, इतने में ही होता रहेगा, ना तो हमारा ये लोअर हाउस पाइप से पानी जाएगा, मतलब पंप के पास न तो जाएगा, और ना तो हमारा इससे, मतलब कि ना तो हमारा आउटलेट अपर हाउस पाइप से वाटर अंदर जाएगा, मतलब कि उसी जो वाटर जैकेट में जो वाटर है वहीं क्या होगा, बराबर वहीं पर सर्कुलेट होता रहेगा एक ही जगह पर वाटर जैकेट के अंदर, और ये सर्कुलेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारा थर्मोस्टेट पर फुल न जाए, ठीक, तो जैसे सर्कुलेट होता रहेगा हीट अंदर, हीट इसके अंदर आती रहेगी वाटर के अंदर, जैसे हीट उसका प्रॉपर आ गया थर्मोस्टेट वाल्व को ओपनिंग टेम्परेचर पर आ गया, तो वैसे क्या होगा, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाएगा, तो जो हमारा पाइप, जो वाटर हमारा बाईपास पाइपलाइन में जाने जाने वाले जा रही थी, वो वाटर कहाँ चले जाएगी, थर्मोस्टेट वाल्व खुल गया है, तो थर्मोस्टेट वाल्व खुलने के बाद वो सीधे कहाँ चले जाएगी, सीधे अपर हाउस पाइप, अपर हाउस पाइप से होते हुए सीधे कहाँ चलाएगा, रेडिएटर के अंदर, ठीक, तो ये हमारा है आउटलेट का, आप इनलेट का समझते हैं, तो जैसे हमारा ये यहाँ से तो आउटलेट होना स्टार्ट हो गया, जब आउटलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने क्या बताया, बाईपास पाइपलाइन का वाटर बंद हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है, वहाँ से आना, वहाँ से आना क्लोज हो जाता है, पंप चल ही रहा है तो वो कब तक करेगा, जब तक करेगा तो क्या होगा, इस लोअर हाउस पाइप से अब वाटर जाना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक, यहाँ पर लोअर हाउस पाइप से होते हुए कहाँ से ना जाना स्टार्ट हो जाएगा, इस पंप के पास वाटर, जब पंप के पास वाटर जाएगा फिर तक करेगा, तो फिर वो पाए मतलब कि फिर नया वाटर वाटर जैकेट के अंदर फिर होगा, ठीक, फिर होने के बाद वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, फिर जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वैसे फिर थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो जाएगा, थर्मोस्टेट वाल्व फिर तो बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, पंप चलता रहेगा और ये हमारे बाईपास पाइपलाइन से वाटर लेना स्टार्ट कर देगा, बाईपास पाइपलाइन से वाटर लेना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वाटर जैकेट पानी सर्कुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर, ठीक, ऐसे हमारा इसका सर्कुलेशन हमेशा होता रहता है, ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, बाकी यदि आप लोगों किसी को कोई चीज ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है दोबारा, आप लोगों को जो भी डाउट्स है आप पूछिए, हैंड रेज करके या फिर अनम्यूट होके चैट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप करके पूछ सकते हो आप लोग।